ब्लॉक मुंडावाड़ी क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायतों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। वहीं इन खराब सड़क के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, दर्जनों ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। इन सड़कों की हालत साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग इन खराब सड़कों से आवागमन करने को मजबूर हैं। इन सड़कों के चलते कई बार कई लोग हादसों के शिकार हो चुके हैं। ब्लॉक मुंडावाड़ी क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायतों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क की पीठ में दो दो फीट गहरे जख्म हुए हैं, जो भाजपा सरकार 5 सालों से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में होने पर भी इस सड़क का इलाज नहीं करा सकी। इलाज तो दूर की बात है, टूटी फूटी सड़कों की मल्लम पट्टी तक नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दूसरी बार बन चुकी है, फिर भी इन सड़कों की हालत बद से बदतर है। दर्जनों ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। कई बार इस सड़क को बनवाने के लिए क्षेत्रवासी आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। टूटी फूटी इन सड़कों ने दर्जनों भर से अधिक क्षेत्रवासियों को अपनी तरह तोड़ मोड़ दिया है। वहीं बदहाल इन सड़कों को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 5 साल से रोड बनने के लिए हो रही है, लेकिन किसी भी नेता की आज तक यहाँ इस पे नजर नहीं पड़ी है। वोट मांगने नेता लोग आए थे, तब भी वो जो बहुत परेशानियों में आए होंगे, उन्हें पता है रोड किस कंडीशन में है। इस पे मोटरसाइकिल या कोई वाहन, मतलब आने जाने का कोई सवारी का साधन भी नहीं है, और टूटा हुआ इतना है, इस मोटरसाइकिलें भी जर्जर हो जाती हैं, जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अड्डे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा समस्या का सामना पड़ना है। 7-8 किलोमीटर की सड़क है मुड़िया तक, दलपतपुर से मुड़िया तक जाती है, और ये रात और दिन सड़क 24 घंटा चलने वाली सड़क है। इसका चौड़ीकरण भी होना चाहिए वैसे तो। सवारी का साधन ही नहीं है। क्यों जब रोड गवर्नमेंट नहीं संभरवाएगी तो कैसे सवारी चलेगी? अच्छा। हाँ, दो रोड खराब हैं जी यहाँ पे, एक खरक वाला है और एक समदारान साय वाला है। यहाँ से मुड़िया तक कितने गांव पड़ते हैं? यहाँ से मुड़िया से सोमप्रिय और गदी खेड़ा, हिनन खेड़ा, ये सब गांव इधर ही हैं जी। क्या चाहते हो आप? और रोड संभरना चाहिए जी दोनों। अजय पैदल भी भागना पड़े, दोपहर भी हो जाए, सवारी का कोई साधन नहीं है इधर। हाँ बिल्कुल, सवारी होनी चल रही है, गर्मी हो जाती है, रेते में कौन चला है? टूटे रोड है, टूटी टूटी सब रोड है। हाँ अजी ले ही जाती है, अंधेरे हो जा रहे हैं, चढ़ते डूबते। ग्राम पंचायत मुड़िया मलूकपुर के रहने वाले निजामुद्दीन ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। ये दलपत वाले रोड पे काफ़ी गांव पड़ते हैं, जैसे खानपुर, चमरुआ, दौला, दौलारी, समदी, शिवपुरी, समदा, मुंडिया, मलूकपुर, सोपरी, काफ़ी गांव पड़ते हैं इस रास्ते पे। और ये रास्ता बिल्कुल ही बेकार हुआ पड़ा है, यहाँ तक कि पोल्यूशन है इसकी, कि अगर एमरजेंसी में किसी सवारी वाले को मालूमात करने लगे, ले जाने लगे, तो वो जाने से इनकार कर देता है, ले नहीं जाता है। अगर उससे पूछा जाता है कि क्यों नहीं ले जा रहे, तो वो कहता है भाई मैं क्या करूँगा ले जाके, निरा गड्ढा पड़ा है, कहीं मेरी कमाई टूट जाती है, कहीं पिंचर हो जाता है, क्योंकि जब रोड ख़राब पड़ा है तो जाहिर सी बात है उस पर सवारी नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से कि वो ले जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। वो बड़ी दिक्कत पड़ती है, इधर से तो ले ही नहीं जा पाते हैं। हमारी मुड़िया मलुकपुर के लिए दो रास्ते हैं, तो बाई चांस जैसे कि मुंडा पांडे वहाँ भी फाटक का हिसाब है, तो अगर उधर से निकल गए निकल गए, वरना इधर से तो निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं। वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बदहाल सड़कों के चलते अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही अब क्षेत्र की जनता नई सड़क का इंतजार कर रही है। सरकार इस जख्मी सड़क का इलाज करवाएगी, जिससे क्षेत्र की जनता को गहरे गहरे गड्ढों से निजात मिल सकेगी, जिससे क्षेत्रवासियों का सफर तय करना आसान हो जाएगा।